और SML 504 आपका जो सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। सो ऑडिटिंग के बारे में पहले कुछ छोटी मोटी बातें जो है वो हम समझते हैं। देखो पहले आई होप आप सब लोग फेमिलियर तो हैं ही सही, मिल चुके हैं अपन, जानते हैं एक दूसरे को, तो कोई ऐसे इंट्रोडक्शन का कोई नीड नहीं है। ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन लेते हैं अपन। ऑडिटिंग इज जस्ट लाइक जिसको हम कहते हैं ना वेरिफिकेशन। और आसान भाषा में अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं तो तुम इसको इस तरीके से समझना कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को चेक करने कि इनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड कितना एफिशिएंट है, इन्होंने फाइनेंशियल रिकॉर्ड कितने इफेक्टिवली मेंटेन किए हैं, जब इन्होंने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है क्या इन्होंने प्रॉपर पॉलिसीज को फॉलो किया है, क्या इन ऑर्गेनाइजेशंस ने जो इंडिया में एप्लीकेबल लॉ है वो पूरा फॉलो किया है या कुछ कमी छोड़ दी है। जब आप इवेल्युएशन करने जाते हैं तो इसको हम ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात हमको शुरू में ही समझनी पड़ेगी, वो ये है कि ऑडिट करने जाने वाला बंदा कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो कमी निकालने के लिए जाता है। जब हम ऑडिट का बेसिक पहली बार एग्जांपल समझते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा बंदा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में कमियां निकालने जाता है कि आपने क्या-क्या गलतियां की है। नहीं, वो कमियां निकालने नहीं जाता, वो सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के नाते कंपनी की तरफ से बुलाया जाता है कि आप आइए और देखिए कि जो हमने किया है क्या बेहतर किया है या हम और बेहतर कर सकते हैं। तो जब वो आपके बुलाने पर आपके ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को इवेल्युएट कर रहा होता है, उस दौरान अगर उसे कोई कमी दिखती है, वो कमी निकालने के इंटेंशन से नहीं जाता, वो कोई ब्लड हाउंड नहीं है। ये एक बड़ा फेमस कोटेशन है ऑडिटिंग के अंदर, दैट ऑडिटर्स आर नॉट ब्लड हाउंड्स, खून चूसने वाले भेड़िए नहीं होते हैं, बट दे आर जस्ट वॉच डॉग्स, वो सिर्फ नजर रखने वाले कुत्ते की तरह होते हैं। उनको कोई कमी दिखेगी तो वो बोलेंगे, अगर उनको कोई कमी नहीं दिखेगी तो वो कुछ भी नहीं बोलते। तो याद रखना, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जो कुछ भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन कंफर्मिटी विद इंडियन लॉ, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन पॉलिसीज है या नहीं है, ठीक है। सो याद रखना, एंड दिस इज अ सिस्टमेटिक इवेल्युएशन। ये बात याद रखना कि जो ऑडिट होता है वो एक सिस्टमेटिक इवेल्युएशन है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के चेक कर लिया। बकायदा एक प्रोसीजर होता है, पहले आपकी वाउचर्स देखे जाएंगे, फिर आपकी एसेट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद फिर आपके जो बैलेंस शीट है उसके ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद फिर हम कैश फ्लो, फंड फ्लो, फिर बहुत सारी चीजें हम वन बाय वन चेक करते चले जाते हैं। तो इट्स अ सिस्टमेटिक इवेल्युएशन, ठीक है। नाउ ये सब जो हम कर रहे हैं, ये जो सिस्टमेटिक इवेल्युएशन हम कर रहे हैं, ये सिस्टमेटिक इवेल्युएशन और जो इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन है, देखो इंडिपेंडेंट टर्म को भी मैं आपको पहले समझा देता हूँ। अगर आपने मुझे अपनी कंपनी का ऑडिट करने के लिए बुलाया है तो ये याद रखिएगा, मेरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन से या आपसे कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब कनेक्शन का मतलब क्या है सर? कनेक्शन का मतलब ये है, ना तो मैं आपकी कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, ना ही मैं आपकी कंपनी के अंदर प्रमोटर हूँ, ना ही मैं आपकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो सकता हूँ। अल्टीमेटली मेरा आपकी कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट अटैच्ड नहीं होना चाहिए, तभी मेरा किया हुआ ऑडिट इंडिपेंडेंट कहलाएगा। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इवेल्युएशन एक ऐसे बंदे से करवाएं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सो ये जो सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन जो हम करेंगे, ये सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन का पर्पस क्या है, क्यों करेंगे? देखिए, हमारा पर्पस सिर्फ एक है, हमको एक ओपिनियन देनी है, हमसे यही मांगी गई है,
हमसे ये पूछा गया है बीइंग अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट कि सर आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि हमने जो कुछ भी किया है फाइनेंशियली, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जो कुछ भी किया है फाइनेंशियली, क्या वो हमने सही किया है या उसमें कोई कमी है या हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो याद रखना, ऑडिटर कभी भी फैक्ट इस्टेब्लिश नहीं करता, ऑडिटर कभी भी ये नहीं बोलता है कि हमने आपने बहुत परफेक्ट किया है, आप में कोई कमी ही नहीं हो सकती, या आपने सब कुछ ही गलत कर दिया, आप तो बिल्कुल ही बेकार इंसान हो। वो अपनी ओपिनियन देता है। ओपिनियन किस तरीके से दी जाती है, देखिए ओपिनियन के अंदर सिर्फ इतना सा कहा जाता है कि ओपिनियन के अंदर सिर्फ इतना सा कहा जाता है कि एक सेकेंड, कुछ लोग वेटिंग में है, मैं उनको ले लेता हूँ पहले। हाँ, तो ओपिनियन में सिर्फ इतना सा कहा जाता है, व्हेन व्हेन वी डू ऑडिट, तो ओपिनियन में सिर्फ हम इतनी सी बात कहते हैं दैट एज पर आवर इवैल्यूएशन इन माय ओपिनियन, सो माय ओपिनियन मे बी रॉन्ग, माय ओपिनियन मे हैव फॉल्ट्स, बट इन माय ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी डू नॉट हैव एनी फ्रॉड और एरर। इस तरीके का हम स्टेटमेंट देते हैं। तो अगर मान लो आपने किसी कंपनी का ऑडिट कर दिया, आपने बोल दिया उसमें कोई कमी नहीं है, और बाद में अगर कोई कमी निकल आती भी है तो भी ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता। ऑडिटर ये कह के बच सकता है कि सर जितना मैंने इवेल्युएशन किया, जितने डॉक्यूमेंट मुझे दिखाए गए, जितना कुछ मैंने फैक्ट चेक किया, उसके बेसिस पे मुझे कोई कमी नहीं मिली, ये मेरा ओपिनियन था। आई बींग ह्यूमन बींग, मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन ऑडिटर के ओपिनियन का वैल्यू बहुत है क्योंकि वो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है। इन्वेस्टर्स ऑडिटर के ओपिनियन पे ही कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो हम बेसिक छोटी सी बात जो अब तक हमने समझी है कि ऑडिट क्या है। ऑडिट अल्टीमेटली एक इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन है जो कि एक सिस्टमेटिक मैनर में किया जाता है। किस चीज का किया जाता है, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इवेल्युएशन किया जाता है कि उन्होंने जो कुछ किया है फाइनेंशियली वो एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ, एज पर सिस्टम है या नहीं है। सेकंड, हम ये बात समझ चुके हैं कि जो ऑडिटर होता है वो कमियां निकालने के लिए नहीं जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एक ही इंटेंशन होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के इवेल्युएशन के दौरान अगर उसे कोई कमी दिखती है तो वो बताएगा, अगर उसे कोई कमी नहीं दिखती है तो वो कुछ भी नहीं बताएगा मैनेजमेंट को। तीसरी बात हमने सीखी कि जो भी ऑडिटर होता है उसका इंटेंशन सिर्फ एक ओपिनियन देना होता है कि आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड या एरर तो नहीं है। ऑडिटिंग की लैंग्वेज में हम इसको ट्रू एंड फेयर व्यू बोलते हैं। याद रखिएगा, हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू बोलते हैं। नाउ ऑडिटिंग को थोड़ा सा और क्लैरिटी से अपने दिमाग में उतारने के लिए हम इसको एक जनरल एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि ऑडिटिंग, सर ये हम तो आप हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर हम तो कभी कंपनियों में गए नहीं, हम क्या पता क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे इवेल्युएट होता है, क्या चीज चेक होती है क्या नहीं होती है। तो ऑडिटिंग आपके चारों तरफ है, आपकी इर्द गिर्द आप देखोगे आपको खूब ऑडिटिंग होती हुई मिलेगी अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप शायद उससे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ऑडिटिंग को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या आप लोग कभी शादियों में तो गए ही हैं, आप सब लोग कोरोना के पहले तो गए ही होंगे, उसके बाद तो मौका नहीं मिल रहा, 4-6 महीने से बड़ा नुकसान चल रहा है शादी वगैरह का, बट उसके पहले तो अपन लोग गए ही हैं, है ना। अब शादी में कुछ ऐसे लोग आते हैं, या हम तो कुछ फैमिली मेंबर्स को ही ये रोल दे देते हैं। अब शादी में फूफा जी आते हैं और शादी में जीजा जी आते हैं, ये दो ऐसे प्राणी हैं जो हर शादी में पाए जाते हैं, और इनका एक ही काम होता है कि ये दोनों हाथ पीछे करके और पूरी शादी में बस घूमते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, ये बस घूमते रहेंगे, और घूमते घूमते ये
जैसे मान लो इनको जहां भी कमी दिखती है कि अरे यार ये तुमने क्या किया, ये चाय तो तुमने शक्कर ज्यादा डाल दी इसके अंदर, और ये पोहे बनाए जला दिए तुमने, ये वैसे कुछ नहीं करेंगे, ना ये कुछ करेंगे ना ये कुछ बोलेंगे, लेकिन जहां भी इनको कमी दिखेगी वहां ये बोलेंगे। सो ये एक तरीके के ऑडिटर्स होते हैं हमारी फैमिली में। ये लोग वो हैं जो कि देखो इंटेंशन कमी निकालने का नहीं है, वो तो शादी में घूम रहे हैं, घूमते घूमते अगर उनको कोई कमी दिखेगी, ऐसा नहीं होता है कि वो लोग इसी इंटेंशन से शादी में आते हैं कि जाते हैं पहले दिन से हर काम में कमी निकालेंगे, ऐसा इंटेंशन नहीं होता। घूमते घूमते उनको कोई चीज कम दिखती है तो वो बोलते जाते हैं। यही काम ऑडिटर का कंपनी में होता है। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को या कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को सिर्फ देखता रहता है। जहां उसको कमी नजर आती है वहां फिर वो अपनी आवाज उठाता है कि साहब ये क्या कर रहे हो आप, आपने तो ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट को तो लायबिलिटी में और लायबिलिटी को एसेट में लिख दिया, आपने ये जो एसेट का वैल्यू लिया है ये तो बहुत ही गलत ले लिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपने डेप्रिसिएशन प्रॉपरली चार्ज नहीं किया तो आपका प्रॉफिट गलत आ रहा है। तो जहां उसको कमी दिखेगी वहां वो बोलता है, लेकिन वो कमियां ढूंढने नहीं जाता, ठीक है ना। यही एक और बात समझ में रखना कि वो मैंने फूफा जी और जीजा जी का एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया है क्योंकि ऑडिटर उनसे बहुत मैच खाता है। अगर फूफा जी और जीजा जी को शादी में गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते हुए दिखेंगे ना तो वो उसकी तारीफ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको कोई बहुत बड़ा चढ़ा के बोलेंगे कि ये तो दुनिया का सबसे बेहतरीन गुलाब जामुन है, इससे बेहतर तो मैंने कभी खाया ही नहीं, नॉट से लाइक दैट। इसी तरह ऑडिटर भी जब कंपनी में कोई काम बहुत परफेक्टली होते हुए देखता है ना तो भी वो अपनी ओपिनियन में उसको हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि इस तरीके का हाईलाइट करना एक तरीके का बायसनेस कहला सकता है ऑडिटर का, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। सो इसलिए ऑडिटर का जो ओपिनियन होता है वो हमेशा एक सिस्टमेटिक ट्रेडिशनल लीगल फॉर्मेट में दिया जाता है। हम पढ़ेंगे आगे ओपिनियन किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं, मैं बताऊंगा आपको। चलिए तो अभी अभी अपन आगे बढ़ते हैं, हमने बेसिक जो मीनिंग है वो हम लोग समझ चुके हैं, अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं अपन। ये आपको बहुत सी जगह नोट्स में ये लर्न फ्रॉम पेज नंबर 1 और ये सब मिलेगा, इनको आप इग्नोर कर देना, इनका आपको कोई मतलब नहीं है। जो जो इस नोट्स में रेलिवेंट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं जो आपको करवाऊंगा वही आपको पढ़ना भी है, आपके सिलेबस के हिसाब से वही रेलिवेंट है। ये वो नोट्स हैं जो सीए वाले बच्चों को इंटर के लिए लिखाए जाते हैं, मैं आपको भी उन्हीं से रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बीकॉम में बच्चे को सीए वाले बच्चे से कोई कम नॉलेज दी जानी चाहिए। जो टॉपिक तुम्हारे और उनके कोर्स में कॉमन है बराबर ही हम आपको वेटेज देंगे और बराबर ही इम्पोर्टेंस भी दिया जाएगा। चलिए तो आगे बात करते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ऑडिट का ऑब्जेक्टिव हम अभी अभी समझ चुके हैं, एक ही ऑब्जेक्टिव है। ऑडिट इसी इंटेंशन से किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हमको एक ओपिनियन देना है। याद रखिएगा मैं बहुत प्रेशर देके आपको बोल रहा हूं, सिर्फ ओपिनियन देना है। ऑडिटर डू नॉट स्टैब्लिशेस एनी फैक्ट, वो गारंटी नहीं देता है किसी बात की, है ना, वो अपना ओपिनियन देता है सिर्फ। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बड़ा सिंपल है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव दो तरीके का हो सकता है, ये आप समझिए मेरी बात। एक तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है ऑडिटर का, है ना, एक तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है और एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना वो होता है सिर्फ ओपिनियन देना, मतलब ऑडिटर हम इसी बात के लिए अपॉइंट करते हैं कि वो हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज को यूज करेगा और हमें बताएगा दैट व्हाट एवर वी आर वी डूइंग गुड और नॉट, सिंपल। अब जब वो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा होता है, अपनी ओपिनियन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर रहा होता है, वहां सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पिक्चर में आता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फ्रॉड या फिर कोई एरर अगर उसको मिलती है तो वो मैनेजमेंट को बताता है, ठीक है।
अब फ्रॉड और एरर, सर आपने दो अलग अलग शब्द यूज किए, अंतर क्या है दोनों में? देखो, फ्रॉड का मतलब होता है इंटेंशनली की गई गलती, और एरर का मतलब होता है भूल चूक में हो गई गलती। तो जानबूझ के गड़बड़ की है वो, उसको अगर पता लग गई अपनी ओपिनियन के, अपनी ओपिनियन फ्रेम करते हुए, तो वो बताएगा कि साहब आपने ये गलती की है। और अगर उसको ये पता लग गया कि भाई मिस्टेक आपसे ये हो गया, तो भी वो बताएगा कि सर ये देखिए आप यहाँ चूक गए, आपसे गलती हो गई। आप दिमाग में फूफा जी को रखना, फूफा जी और जीजा जी को आप रखोगे तो ऑडिट का बेसिक मीनिंग आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो फूफा जी का भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? शादी की तैयारियों पे अपनी ओपिनियन देना। लेकिन जब वो घूम रहे थे, तो उस घूमते वक्त, उस रोटेशन के वक्त, अगर उनको कोई पंडाल में खड़ा हुआ आदमी अगर उनको कोई कुछ भी गड़बड़ करते हुए दिखा, तो ऐसे केस में फिर उसकी बात कही जाएगी। फिर वो जो मेन कैटरर्स होते हैं, उनको ये बताया जाएगा कि साहब ये आपका जो आदमी है ना, ये चाय में पानी बहुत मिला रहा है और दूध बचा रहा है, या ये जो पानी बतासे का काउंटर लगा हुआ है ना, ये आधे पानी बतासे तो ये काउंटर पे खड़े हुए आपके ही चार आदमी खा रहे हैं, हमारे आदमियों का तो नंबर ही नहीं आ रहा। सो अगर इंटेंशनली कुछ हो रहा है तो भी बताएंगे, और अनइंटेंशनली हो रहा है तो भी वो बताएंगे। पर उनका इंटेंशन ये कमियां ढूंढना नहीं था, वो निकल रहे थे, उनको दिखा तो उन्होंने बता दिया। ऑडिटर का भी यही काम है। आई थिंक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट इज क्लियर। सो अल्टीमेटली आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का इंटेंशन सिर्फ क्या है? सिर्फ एक चीज हमारा इंटेंशन है, और वो है कि हमको ये पता लगाना है कि ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं देते। अब ट्रू एंड फेयर व्यू कोई बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टर्म नहीं है, आप बस अभी के लिए इतना समझिए कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कंपाइल किया है, वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट रिलायबल है या नहीं है, बस इसका इवेल्युएशन ऑडिटर करता है। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, ये आप पैराग्राफ बड़ा ध्यान से समझिएगा। ऑडिटर्स ओपिनियन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अश्योरेंस एज टू फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटिटी और द एफिशिएंसी और द इफेक्टिवनेस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। मैंने कहा ना, ऑडिटर बोल रहा है मैंने जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया है उसके हिसाब से मुझे सब कुछ सही लगता है, मैं आपको ये गारंटी कतई नहीं दे रहा कि फ्यूचर में भी सब कुछ बेहतर ही रहेगा और फ्यूचर में भी ये ऑर्गेनाइजेशन इतना ही एफिशिएंट और इफेक्टिव रहेगा, इस बात की कोई गारंटी मैं आपको नहीं दे रहा। हाँ, अभी जो इनके रिकॉर्ड्स हमने देखे उससे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ही है। क्लियर है? सो दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। अब आगे थोड़ा बात करते हैं अपन। सो ऑडिट का स्कोप अब अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या स्कोप है देखिए हमारे ऑडिट का? अब हम इतना तो समझ चुके कि ऑडिट जो होता है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इवेल्युएशन है। अब ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इवेल्युएशन को जब कवर करता है, तो क्या क्या चीजें, क्या क्या कंडीशंस हैं जो उनको पूरी करनी पड़ती है, तब जाके वो सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर पाए, क्या क्या चेक करता है वो। सबसे पहली बात जो स्कोप ऑफ द ऑडिट में आता है, तो याद रखिएगा, स्कोप ऑफ द ऑडिट टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट पे डिपेंड करती है। अब टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट क्या भला होती है सर? ये तो नए नए अजीब अजीब से टर्म आ रहे हैं, हमने तो एंगेजमेंट सगाई के बारे में ही सुना है, ये ऑडिट में कौन सी एंगेजमेंट आ गई? तो अब ऑडिट में भी एंगेजमेंट होती है, वो कैसे होती है? आपने मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया है, आपने मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया है अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए अपॉइंट किया है आपने मुझे? कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए। तो मैं आपका कॉस्ट ऑडिटर बन गया। अब इस केस में मैं आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे हाथ नहीं डाल सकता, मैं आपके लीगल रिकॉर्ड्स पे हाथ नहीं डाल सकता, मैं आपके ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपकी कॉस्टिंग से रिलेटेड नहीं है उस पे हाथ नहीं डाल सकता। तो ऑडिट ऑडिट करने वाला ऑडिटर क्या क्या चीजें इवेल्युएट करेगा, ये डिपेंड करता है कि हमने उसके साथ क्या एग्रीमेंट किया है, हमने उसको क्यों अपॉइंट किया है। अगर हमने उसको कॉस्ट के लिए अपॉइंट किया है, तो वो कॉस्ट के रिकॉर्ड चेक करेगा।
अगर हमने उसको फाइनेंशियल के लिए अपॉइंट किया है तो वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करेगा, अगर हमने उसको लीगल के लिए चेक किया है तो वो लीगल रिकॉर्ड चेक करेगा। तो हमने उसको क्यों अपॉइंट किया है इस पे डिपेंड करेगा कि वो क्या काम करने वाला है, ठीक है, वो सब कुछ इवेल्युएट नहीं कर सकता। सेकंड, स्कोप ऑफ द ऑडिट डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रोनाउंसमेंट्स पे, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया रेगुलर टाइमिंग्स में, रेगुलर गैप्स के अंदर जो है कुछ न कुछ अनाउंसमेंट्स और कुछ न कुछ डिक्लेरेशंस देते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट। तो जब भी आप किसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करते हो एज ऑडिटर, तो हमको उन प्रोनाउंसमेंट्स का पहले ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये कहता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल बजटिंग का ऑडिट नहीं कर सकते, इफ यू कैन नॉट डू द ऑडिट ऑफ कैपिटल बजटिंग सेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, या मैं कहूं कि आप किसी कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट का ऑडिट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपका उसका एक्सपर्टीज नहीं होता है, तो फिर हम ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हमको करने से मना कर दे। तो ऑडिट का स्कोप, ऑडिट क्या, ऑडिट में क्या क्या किया जा सकता है, ये दो बातों पर डिपेंड हो गया। पहला, अभी तक दो बातें हमने कर ली, वैसे तीन बातों पर डिपेंडेंट है, दो बातें हमने कर ली। पहला, हमने उसको क्यों अपॉइंट किया है, उसका उसके साथ हमारा एग्रीमेंट क्या है। सेकंड, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर टास्क के बारे में क्या बोलता है जो हमने एक्सेप्ट किया है एज अ ऑडिटर। और तीसरी बात, जब भी हम ऑडिट करेंगे तो उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेबल लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनीज एक्ट 2013 आपको याद रखना पड़ेगा कि आप जिस चीज का ऑडिट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग चेक कर रहे हो, आप उन्होंने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो आप चेक कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो कंपनी है उसने डिविडेंड को कहाँ दिखाया है, क्या डिविडेंड बैलेंस शीट में दिखाया है या बैलेंस शीट के बाहर दिखाया है, क्योंकि कंपनीज एक्ट कहता है कि बैलेंस शीट के बाहर भी डिविडेंड को दिखाया जा सकता है क्योंकि वो कॉन्टिंजेंट है। अभी आप लोग इस बात की सीरियसनेस को नहीं समझोगे, बट अगर आपके सिलेबस में शायद कंपनीज एक्ट भी आप लोग पढ़ते हैं बीकॉम वाले भी, उसमें अगर डिविडेंड होगा तो वहां आपको ये बात में समझाऊंगा जब भी आएगा टॉपिक। तो आप समझिए कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी ऑडिटर इवेल्युएट करेगा। तीन बातों पे ऑडिट का स्कोप डिपेंड करता है। क्या क्या हो गई तीन बातें? पहला, ऑडिट एंगेजमेंट, दूसरा, सीए इंस्टीट्यूट क्या कहता है, और तीसरा, उस पर्टिकुलर मैटर में इंडिया का लॉ क्या कहता है। तीनों बातों को ध्यान में रखने के बाद ही आप किसी भी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ ये मैंने कहा इस तरीके कुछ पॉइंट आएंगे जिनको आप इग्नोर कर देना, ये हमारा पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। ऑडिट में क्या क्या बातें कवर की जाएंगी, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो कि ऑडिटिंग के अंदर कवर किए जाएंगे जब आप ऑडिट करने जाएंगे। तो देखो यहाँ हम एक ब्रीफ लिस्ट पढ़ रहे हैं, और ये ब्रीफ लिस्ट हम फाइनेंशियल ऑडिट को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। मैंने अभी भी आपको बताया कि ऑडिट अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन हम अभी फाइनेंशियल ऑडिट को कंसिडर कर रहे हैं प्राइमरीली बातों को समझने के लिए। पहली बात जो हमको कंसिडर करनी है एज अ ऑडिटर, हम अब आप एक एक, एक रोल प्ले में रहिए, आप एक पिक्चर अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि आपने बढ़िया सूट बूट पहना हुआ है और आप एक कंपनी का ऑडिट करने गए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट करते वक्त आप जैसे ही वहां जाएंगे, सबसे पहले आपको किन बातों पर ध्यान देना है? सबसे पहले आपको देखना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है, वो ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रांगली अपना अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, कितना सेफ एंड सिक्योर है और कितना बेहतर उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। दूसरी बात हम चेक करेंगे उनका इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल चेक करने का मतलब होता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड कितना सेफ एंड सिक्योर मेंटेन किया हुआ है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको
आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, आपने जाते ही देखा कि अकाउंट सेक्शन में और जहां पे कैश रखा जाता है वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। वहां पे एक ओपन एरिया है जिसमें कोई भी कभी भी आ सकता है, कोई भी कभी भी जा सकता है। प्रोडक्शन मैनेजर भी अकाउंट सेक्शन में आ रहा है, मार्केटिंग वाला भी आ रहा है, सेल्स वाला भी आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे हो गया, अभी हम शादी का एग्जाम्पल ले रहे थे ना, कि आपने एक तरीके से ये मान लीजिए कि दूल्हा और दुल्हन जिन कमरों में रुके हुए हैं वहां पे सभी लोग जा रहे हैं, दे विल नॉट बी रेडी टू कम फॉर दी रिसेप्शन और दी डिनर एरिया, उनको तैयारी नहीं होने दे रहा ना कोई। तो आप उनका जो भी वहां पे गहने रखे हुए हैं वो चोरी हो सकते हैं, रिस्क ज्यादा है। जाते ही अगर आपको पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम ही नहीं है अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, तो फिर आप ऑडिट करते वक्त उस पर्टिकुलर सेक्शन को चेक करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे। व्हाट डज इट मीन बाय सब्सटेंटिव प्रोसीजर? सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोसीजर। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि हम फिर उस चीज को डिटेल में चेक करेंगे कि हमको ऐसा शक है कि भैया आपके यहाँ कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, ना कोई सीसीटीवी है, ओपन एरिया है, तो आपके यहाँ फ्रॉड और एरर अकाउंट सेक्शन में होने के चांसेस ज्यादा हैं, आपका इंटरनल कंट्रोल कमजोर है। ठीक है, नाउ सेकंड काम जो हम वहां जाते ही करेंगे, हम उनकी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को रिव्यू करेंगे। That whatever they are doing to run their business, are they doing all these activities in a systematic manner? कि क्या काम करने का ऑर्गेनाइजेशन में कोई परफॉर्मा या एक परफेक्ट सिस्टम है? क्या कोई हायरार्की है? आप लोगों ने 11-12 बिजनेस स्टडीज में एक टर्म पढ़ा होगा, स्केलर चेन। सो स्केलर चेन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन है कि नहीं है? प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपने जो लोगों को पैसा उधार दिया हुआ है वो कलेक्शन टाइम पे आता है कि नहीं आता है? ये चीजें हम जाके चेक करेंगे एज ऑडिटर। देन वाउचिंग ऑफ इट्स, जितना भी नो हाउस हम इनको बोलते हैं, नो हाउस का मतलब आप उनको ट्रांजेक्शन के लिए नो हाउस के लिए, जितनी भी कुछ बिजनेस एक्टिविटीज इन्होंने पिछले कुछ टाइमिंग में की है, ये सारी एक्टिविटीज के वाउचर्स बने होंगे, बिल। अपनी भाषा में वाउचर को बिल बोलते हैं। बिल जितने भी इन्होंने बनाए हैं उन बिल्स को हम वेरीफाई करेंगे कि जितने बिल बिल बुक में लगे हुए हैं उतनी जर्नल एंट्री इन्होंने जर्नल में पास की है या नहीं की है। जब हम इन बिल को चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि ऑथोराइज्ड है कि नहीं है, प्रॉपरली साइंड बिल है या नहीं है, डेट डली है कि नहीं डली, कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, 1000 का बिल है, एंट्री 10,000 की, एक जीरो ऊपर नीचे हो गया, ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं। ये कुछ दो चार चीजें हम वाउचिंग के दौरान चेक करेंगे। देन वेरिफिकेशन करेंगे हम कि एसेट्स जो है, आपने बैलेंस शीट में दिखा रखा है बिल्डिंग 100 करोड़ रुपए, तो आप बोलोगे कंपनी से, अच्छा 100 करोड़ की बिल्डिंग है आपके पास, चलिए दिखाइए हमें कहाँ पे है। सो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कर सकते हैं आप। देखिए, याद रखिएगा, ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं जरूरी है, ये सब कुछ एक ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करता है। 100 करोड़ की बिल्डिंग आप बोलोगे तो देखने जाएगा वो, लेकिन आपने लिख रखा है चाय का खर्चा महीने भर का 300 रुपए या 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए बहुत छोटा ट्रांजेक्शन है, वो वेरीफाई नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि चाय वाले के पास जाएगा पूछने के, भाई तेरे को 2,000 दिए हैं क्या इन्होंने? ट्रांजेक्शन की सीरियसनेस पर डिपेंड करता है कि उसको वेरीफाई किया जाए या नहीं किया जाए। अगली चीज जो ऑडिटर चेक करेगा, दैट इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंसेस जितने भी हैं वो प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कंपनीज एक्ट आपने प्रॉपरली फॉलो किया है कि नहीं किया? अगर आप पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई गाइडलाइन लगती है तो वो आपने प्रॉपरली फॉलो की है या नहीं की है, ये चीजें वो चेक करेगा। ठीक है, नाउ जब वो ये सारी चीजें चेक कर रहा होता है, उसका एक ही इंटेंशन होता है, जो क्या है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इन सब चीजों को वेरीफाई करने के बाद वो अपनी एक ओपिनियन बनाएगा। ओपिनियन बनाने का मतलब है कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन ने चीजों को मेंटेन किया है, तो सब कुछ ठीक है, और अगर नहीं किया है तो जो गड़बड़ है वो अपनी ओपिनियन में बताएगा।
तो वो एक चीज के लिए ही ओपिनियन बनाता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं देते हैं, इस बात के लिए ही पूरा का पूरा बनाया जाता है। देन जो भी ओपिनियन उसने बनाई है उसको वो एक रिपोर्ट फॉर्मेट में बना के किसको सबमिट कराएगा, वो एक रिपोर्ट बना के कंपनी को सबमिट करेगा जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स के सामने फिर रखी जाएगी। रिपोर्ट जो है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के 11 एंड 12 के अंदर डिजाइन की जाती है। अलग अलग सेक्शन से सेक्शंस हम कंपनीज एक्ट में फोकस करेंगे। आपके लिए वैसे कॉन्सेप्ट ज्यादा जानना जरूरी है, सेक्शंस की डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ऑडिट का एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट। ऑडिट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, क्या क्या बातें हमको ड्यूरिंग द ऑडिट एज अ ऑडिटर ध्यान रखनी है, पहला लेक्चर था, लेकिन ऑडिट आप पहली बार पढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, आप इसको बहुत ध्यान से और मेहनत करके पढ़िएगा। ये हैंड रिटन नोट्स है, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा अभी ग्रुप पे पूरे। ये करीब जहां तक मुझे याद है 100+ या 150+ पेजेस हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना हमारे कोर्स में होगा उतना इसमें से हम डिस्कस करेंगे। और कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछिए। और जो क्लासेस में आज भी कई लोग बहुत बाद तक आए हैं तो वो बाद में ना आए, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स ही ध्यान रखेंगे। आई शुड बी द लेटेस्ट इन द क्लास। मेरे बाद अगर कोई आएगा तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। अभी एक आध दिन हो सकता है कंसीडर कर लिया जाए, बट ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं मेरे को अच्छे से, तो मेरे एक बार पढ़ाना शुरू होने के बाद फिर ना आए तो बेहतर है, क्योंकि फिर रिदम टूटता है, मजा नहीं आता। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, या अभी भी कोई डाउट अगर हो आपको तो मैंने आपको पावर दे दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं।